पर ब्रिटानिया ने आज चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। कैसे रहे नतीजे और क्या डिटेल्स हैं? मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला जुड़ रही है मेरे साथ। विनी, बताइए क्या निकल कर आया ब्रिटानिया के नंबर से? ब्रिटानिया के वाटरफॉल की नंबर्स की बात करें तो ओवरऑल अबाव एक्सपेक्टेशंस बोल सकते हैं, नंबर्स को स्लाइटली अबाव एक्सपेक्टेशंस आया है नंबर। वॉल्यूम ग्रोथ जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एफएमसीजी कंपनीज के लिए, वो श्योरली बेटर है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। ईटी नाउ एक्सपेक्ट कर रहा था, उससे तो काफ़ी बेटर है। मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आया है कंपनी का, एक्सपेक्टेशन थी लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की, अराउंड 2% की थी वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेशन, तो श्योरली बेटर। मिड सिंगल डिजिट मतलब 5% 6% की बात कर सकते हैं वॉल्यूम ग्रोथ टर्म्स पे। रेवेन्यू इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन है, रेवेन्यू ग्रोथ हुई है अराउंड 14% की रेवेन्यू। प्रॉफिट्स भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स है, अबाव एक्सपेक्टेशन है प्रॉफिट, और आए हैं 380 क्रॉस पे। तो ओवरऑल अबाव एक्सपेक्टेशन की अर्निंग्स आई है कंपनी की, स्लाइटली अबाव एक्सपेक्टेशंस। मार्जिन्स पे तो प्रेशर बढ़ ही रही है क्योंकि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड तो कंटिन्यू रहा है, और जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज है रशिया यूक्रेन वहाँ, उसकी वजह से तो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया था उनके रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स की, जैसे वीट के प्राइसेस की बात करें, डेयरी प्रोडक्ट्स, तो वो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड तो कंटिन्यू रहा है, वो प्रेशर कंटिन्यू रहा है, और उसकी वजह से कंपनी ने हाईलाइट किया है कि प्रेस रिलीज में कि वो अब इसके बाद भी प्राइस हाइक्स में भी लेना पड़ेगा, उनको कैलिब्रेटेड प्राइस हाइक्स लेते रहेंगे जब तक यू नो ये इन्फ्लेशनरी ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए, क्योंकि उनको प्राइस हाइक्स लेने पड़ेंगे, कॉस्ट सेविंग मेजर्स लेनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा ई कॉमर्स की बात करें, रेवेन्यू कंपनी की वहाँ डबल हो चुके हैं लास्ट ईयर के हिसाब से, और कंपनी रूरल प्रेजेंस इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करने की कोशिश करें, उसकी वजह से उन्होंने जो मेजर्स लिए वो है, जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो उनकी कंटिन्यू रही है, और वो उनके रूरल प्रेजेंस और रूरल जर्नी को पे भी फोकस करने की बात कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है ब्रिटानिया ने अपने प्रेस रिलीज में बताए। शुक्रिया विनी। शर्मिला, पूरा एफएमसीजी स्पेस जो है